रमजान के मौके पर फलों की डोर टू डोर सप्लाई के लिए फल ठेला विक्रेताओं को एक महीने के लिए पास जारी किया गया है। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे शहर के वार्ड को मोहल्लों में बांट दिया गया है और हर मोहल्ले के लिए एक फल के ठेले को फिक्स कर दिया गया है। फल के ठेलों को मोहल्ले में दो समय निर्धारित किया गया है, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। अपने अपने मोहल्ले में मास्क लगाकर फल बेचेंगे। उन ठेलों पर सभी तरह के फल, खजूर और सेवई रखवाई जाएगी। सामानों का रेट पहले से ही निर्धारित रहेगा और कोई भी व्यक्ति उस ठेले पर नहीं जाएगा। ठेले वाले खुद डोर टू डोर और मोहल्ले मोहल्ले जाकर बिक्री करेंगे और ठेले वालों को पास भी दिया जाएगा और ये ठेले अगले महीने के लिए उन मोहल्लों में फल बेचेंगे। बड़े मोहल्लों में 2 ठेले रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए रमज़ान का माह कल से शुरू हो रहा है तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव लिया है कि पूरे शहर को वार्ड मोहल्लों में बांट दिया गया है। हर मोहल्ले के लिए हमने एक फल के ठेले को अलॉट कर दिया है और फल के ठेले उस मोहल्ले में 2 टाइम डिसाइड किए गए हैं, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, इसके अलावा दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो 8 घंटे का स्लॉट ठेलों को दिया गया है। जो ठेले वाले हैं वो मास्क लगाए रहेंगे और इसके अलावा वो अपने ठेले पे फल रखे रहेंगे। फल के अलावा उस पर हमने नए इनिशिएटिव के तौर पे खजूर भी रखवाया है और साथ साथ सेवई भी रखवाई है, तो ये भी रहेगा। जिसको उस पर ख़रीदारी करनी है उसका रेट भी पहले से निर्धारित रहेगा, उस रेट पर ख़रीद सकता है। और उसमें कंसेप्ट यही सोशल डिस्टेंसिंग का है कि कोई उस ठेले पर जाएगा नहीं, वो ठेले घर घर जाके मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को सामान बेचेंगे। तो ये ठेले कहाँ कहाँ पर होंगे? ठेले रवाना मंडी से ही होंगे और ठेलों का पूरा डेटाबेस बन गया है, एक एक ठेले वाले को पास दिया जा रहा है और उसके बाद हर मोहल्लों के लिए ठेले चिन्हित कर दिए गए हैं। जो बड़े मोहल्ले हैं वहाँ के लिए 2 या 3 ठेले चिन्हित कर दिए गए हैं। ठेले कल से अगले 1 महीने के लिए रवाना रहेंगे।